हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट में, अभिषेक शेट में। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बीएसयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 3 है, जिसमें अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2019 में आए हुए प्रश्नों को बारी बारी से पार्ट वाइज 10-10 क्वेश्चन का जो पार्ट बना के उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज उसका पार्ट 3 है। दोस्तों पिछले दो वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और अपना सपोर्ट जो है वो हम लोगों के लिए बनाए रखिए। तो आइए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टी शेप, निम्न में से किसकी आकृति टी है। तो आप लोग जानते हैं ये NF3, NH3 और XeO3, इन सब में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इन सब का शेप जो है वो पिरामिडिकल होता है, जबकि आपका जो ClF3 है इसका शेप कुछ इस तरह से होता है। जिसमें आपका ये हो गया F, F, F और ये हो गया Cl, Cl। इसका शेप लगभग ये वाला एंगल 87.3 के आसपास होता है, तो ये लगभग आपका टी शेप की तरह बना लेता है। जबकि और सब में कुछ इस तरह से, जैसे NH3 का आप जानते हैं, जैसे N हो गया H, H, H और यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सब टी शेप नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ClF3 ये आपका टी शेप बनाएगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K4MnCn6 FeH2O6 पावर 2 प्लस एंड K2MnCl4 आर 2.2, 5.3 एंड 5.9 bm रेस्पेक्टिवली, दीज हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। K4MnCn6 FeH2O6 2 प्लस तथा K2MnCl4 का मैग्नेटिक मोमेंट क्रमशः 2.2, 5.3 और 5.9 है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप एक चीज जान लीजिए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट और आपका अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से दिखाएं तो ये होता है एन, एन प्लस टू, ठीक है। अब पहले तो एक कॉन्सेप्चुअल से हम लोग इसको आराम से कर लेंगे बिना कुछ किसी तरीके का सॉल्व किए। सोचना क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम इसका है Mn का, फिर इसका है और फिर ये लास्ट वाले का, सबसे अधिक जो है वो K2MnCl6 का है, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो अगर भाई आप जरा सोचो, अगर ये वैल्यू n की वैल्यू कम रहेगी तभी तो म्यू की वैल्यू कम आएगी, n की वैल्यू जितना कम रहेगी उस हिसाब से आएगी। तो ये बाकी तीन के हिसाब से देखा जाए तो यहां पहले इसको देख लीजिए, 415, अगर 4 यहां रख देंगे तो 4 और 4 प्लस 2 आएगा तो म्यू की वैल्यू कुछ और आएगी, चलो ठीक है मान लिया कि 2.2 आ गया, लेकिन 1 रख देंगे तब तो ये कम आने लगेगा ना 2.2 से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर बढ़ते हुए क्रम में तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब क्या होता है कि अलग अलग निकालोगे, जैसे मान लो कि तुम आपने यहां म्यू की वैल्यू 2.2 रख दिया और फिर इसे सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व करने में आपका ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब आपको ऐसा लगे तो कोई एक जो जो आपको लग रहा है कि सही हो उसको रखकर चेक कर लो। जैसे मैं यहां रखकर चेक करूं तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 प्लस 2 सॉरी इनटू है, तो यहां √3 आएगा और √3 की वैल्यू 1.732 जो कि लगभग आपका इसके इक्वल है, हालांकि एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी
जो ऑप्शन सबसे नजदीक है उसी की बात करेंगे। दूसरा जैसे देख लो, मान लो कि n की वैल्यू क्या रखें, 4 रख के चेक करते हैं, 4 4 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 24। ये भी आपका समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि अगर 25 रहता तो 5 आ जाता, 4 पॉइंट, तो इसके लगभग नजदीक पहुंच रहा है, 4.9 के आसपास आएगा, तो इसके लगभग समीप पहुंच जाएगा। और ये जब आप 5 रख के चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 35, और ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा 5.9 bm। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, फार्मूला ध्यान रखने के बाद पहले थोड़ा सोच लीजिएगा कि किस क्रम में मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, उसी हिसाब से अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर बढ़ते हुए क्रम में है, जैसे ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगर मान लीजिए कंफ्यूजन करता है कि दो अलग अलग दे दिया, तो आप फिर रखकर इसे चेक कर सकते हैं। ओके, क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैज द लार्जेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। निम्न कॉम्प्लेक्स में से कौन सबसे अधिक मैग्नेटिक मोमेंट रखता है? ऑप्शन है CrH2O 6 3 प्लस, Fe2O 6 2 प्लस, ZnH2O 6 2 प्लस, और FeF6 3 माइनस। देखिए यहां पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो यहां 3 है। ओके, यहां कितने हैं? यहां है 4, यहां 0, और यहां है 5। इस वजह से इन चारों में सबसे अधिक मैग्नेटिक मोमेंट होता है Fe F6 का, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होंगे, उसी में सबसे अधिक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सबसे अधिक मैग्नेटिक मोमेंट Fe H2O 6 2 प्लस का होना चाहिए, बट एक्चुअली में अगर आप इसको चेक करते हैं, गूगल करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक है 5, इस वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे अधिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल सल्फेट इन वॉटर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। निम्न मेटल सल्फेट की पानी में घुलनशीलता के घटने का क्रम है। तो आप कहोगे सर निम्न तो है ही नहीं, यहां तो ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शनल बहुत बड़ा था ना, तो देखो भाई क्या है ना कि उतना लिखने का मन नहीं करता है मेरा, तो हमने क्या किया कि हम आपको जो सही वाला है वो बता दे रहे हैं। सही वाला है MgSO4 सबसे अधिक घुलता है, फिर उसके बाद आता है नंबर CaSO4, फिर SrSO4, और फिर आ जाएगा BaSO4। अभी देखो सल्फेट है, अब अगर मान लीजिए इनका कोई और भी कार्बोनेट होता तो घटने का क्रम यही, अरे घुलनशीलता के घटने का क्रम यही रहेगा। अच्छा ये डिसाइड कैसे करते हैं? ये डिसाइड करते हैं क्योंकि जो जल है वो एक आयनिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये है कि जब उसमें वही चीज अच्छे से घुलेगा जो तुरंत अपने आयनों में टूट जाता है। तो आप जानते हैं कि Mg जो है वो बहुत तेजी से आयनों में टूटता है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम और फिर बेरियम, तो इसलिए घटने का क्रम यही हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट पीछे का मैंने बता दिया कि कौन जल में जल्दी से घुलेगा, जो जल्दी से अपने आयनों में टूट जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ O2, O नेगेटिव, O पॉजिटिव और O डबल नेगेटिव इज। O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 डबल नेगेटिव में स्थिरता का घटता हुआ क्रम है। तो देखो भाई, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो जैसे O2 हो गया O2 प्लस, फिर O2, फिर O2 नेगेटिव और फिर O2 डबल नेगेटिव, ये है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर यहां पर
2.5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1.5 है और यहाँ 1 है। तो आप जान लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर का जिस तरह से डिक्रीजमेंट होता है, जो डिक्रीजमेंट ऑर्डर होता है बॉन्ड ऑर्डर का, उसी हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी, एक्चुअली यहाँ स्टेबिलिटी होना चाहिए था और मैंने इसको सॉल्युबिलिटी लिख दिया, तो मैं उसको सही कर रहा हूँ, आप लोग उसको माइंड मत कीजिएगा। स्टेबिलिटी जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से चेंज होता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर तो ऐसे ही घट रहा है, तो स्टेबिलिटी का क्रम क्या हो जाएगा इस तरह से। ओके, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एम इन कॉम्प्लेक्स एम ई एन ट्वाइस सी टू एच फोर सी एल एस। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ई एन का मतलब क्या होता है। ई एन का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन। क्या होता है? इथाइलिन डायमीन, जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंट है। ओके, तो हिंदी में एक बार समझ लेते हैं कि एम ई एन ट्वाइस सी टू एच फोर सी एल में एम धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या तथा ऑक्सीकरण संख्या का योग है। तो भैया देखो, सबसे पहले तो इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है। तो अभी मैंने बताया कि ये जो है ई एन, पेन बदल लेता हूं आराम रहेगा, ये जो ई एन है ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंट है और सी टू एच फोर भी एक बाइडेंटेट लिगेंट है। तो बाइडेंटेट लिगेंट है तो यहां से कोऑर्डिनेशन संख्या 4 और यहां का कोऑर्डिनेशन संख्या 2 और मीन्स कोऑर्डिनेशन संख्या तो हो गई 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना? 6। अब ऑक्सीडेशन संख्या निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन निकालने के लिए सपोज कर लेते हैं कि एम का ऑक्सीडेशन एक्स है, एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ, अच्छा इथाइलिन डायमीन का ऑक्सीडेशन 0 होता है, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक संपूर्ण है, और सी टू एच फोर का -2 और सी एल का -1 होता है, जिसको चलो -1 यहाँ ये लगा देते हैं, -1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। अब पूछा है कोऑर्डिनेशन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या का योग, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन संख्या 6 और ऑक्सीकरण संख्या 3, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया? 9। ध्यान है, फिर से एक बार समझा देता हूँ, इथाइलिन डायमीन और एक ये आपका सी टू एच फोर, ये दोनों ही बाइडेंटेट लिगेंट है, इनमें बाइडेंटेट लिगेंट का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन संख्या 2, तो यहाँ 2 है तो 4 और ये 2 6 हो गए, और ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकालना जानते ही हैं, जिसका निकालना रहता है उसे एक्स या वाई जो भी आप कमन करें वो सपोज कर लो, और फिर सबका जो है ऑक्सीकरण लिख के उसको 0 के इक्वल दिखाओ। इथाइलिन डायमीन का 0 होता है, सी टू एच फोर का -2 और सी एल का -1, आप लोग बचपन से इस चीज को पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 3 और 6 मिलकर 9, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, AlF3 is soluble in HF only in the presence of KF. It is due to the formation of AlF3 केवल KF की उपस्थिति में HF में घुलनशील है, यह निम्न के निर्माण के कारण होता है। तो पहले देखो कि क्यों ये इसमें नहीं घुलता है जब KF नहीं लगाते हैं। सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं, चलो KF को हटा के चेक कर लेते हैं कि क्यों नहीं घुलता है। तो HF जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है भाई, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और साथ ही साथ इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब इसमें AlF3 मिला देते हैं तो AlF3 रिमेन अनसॉल्युबल, AlF3 रिमेन अनसॉल्युबल। क्यों? क्योंकि भैया ये तो वो इतना टाइटली, एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जल्दी छोड़ेगा नहीं, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है तो इसमें ये घुल नहीं पाएगा। अब बात कर लेते HF की, अरे सॉरी KF की, जब KF इसमें मिला दिया गया तब क्या हुआ? KF मिलाया गया, KF जो है एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, ये तुरंत
के प्लस दे देता है, के प्लस दे देता है, जिसकी वजह से ये इसमें घुलने की कंडीशन में आ जाते हैं। तो जब घुलने की कंडीशन में आ जाते हैं तो यहां पर इसके साथ Al जो है AlF3 एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। और वो किस तरह से बनाएगा उसको देख लीजिए, AlF3 प्लस 3KF, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स आपका बना लेगा K AlF6, चेक कर लीजिए, सॉरी 3K 3 3K हो गया, 6F हो गया, 1L हो गया, तो K3 AlF6 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इसी कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से AlF3 KF के प्रेजेंस में उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है, यानी सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। HF केवल रहेगा तो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसमें AlF3 सॉल्युबल ही नहीं होता, यानी घुलता ही नहीं है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 NO3 माइनस एंड NH4 प्लस रेस्पेक्टिवली, यानी NO2 प्लस NO3 माइनस तथा NH4 प्लस में नाइट्रोजन की परमाणविक कक्षाओं का संकरण क्रमशः है, संकरण पूछ रहा है। अगर संकरण निकालना है तो हमें काम करना होगा, हमें इसका शेप देख लेना होगा, इसका शेप कैसा होगा, देखो NO2 प्लस का शेप होता है लीनियर, लीनियर स्पीसीज है ये, स्पीसीज, स्पेलिंग गलत होगा तो चेक कर लेना। तो इसमें जो संकरण होगा वो आपका sp होगा, क्या होगा, sp, ठीक है। इसी तरीके से NO2 माइनस NO3 माइनस का जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी समतल त्रिभुजाकार, और ऐसा जिसका शेप होता है उसका संकरण होता है sp2। और इसी तरीके से NH4 प्लस की बात करें तो इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल शेप जिसका भी होगा उसका संकरण होगा sp3। तो हम कह सकते हैं NO2 NO3 माइनस और NH4 प्लस का संकरण क्रमशः sp sp2 और sp3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, Among of the following complexes, the one which shows zero crystal filled stabilization energy, CFSES, देखो भैया, निम्न संकुलों में से एक जिसकी शून्य क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा है, ये चार दिए हैं। तो देखो, दो तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेटल होते हैं, मेटल से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो CFSE0 देते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो 3D10 रहता है या तो 3D5 रहता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें Fe+3 की, ठीक है, जो Fe+3 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ar3D5 और 4S0। तो यहां भी ये देखो 3D5 मिल रहा है ना, D5 मिल रहा है, या तो D10 होना चाहिए या तो D5 होना चाहिए, यहां D5 वाला मिल गया। इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स Fe से मिलकर बना होगा, Fe+3 से, वही वाला जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दिखाएगा। इस वजह से हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। अब आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन, इन सॉलिड फेज ऑफ XeF6 इट कंसिस्ट ऑफ, ठोस अवस्था में XeF6 में होता है, ऑप्शन है XeF5+ F निगेटिव, XeF4+F2, XeF5+XeF2 निगेटिव, और XeF2+2F2। तो
तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन सही लगेगा, सही या गलत चाहे जो रहेगा, अटेम्प्ट आप सभी लोग करेंगे। ओके, जितने गाइस देख रहे हैं सबका कमेंट जो है वो आना चाहिए, कम से कम आप कोशिश तो जरूर करिए। ओके, तो इस तरह से पार्ट थ्री आज खत्म हो गया। पार्ट फोर जो है वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल से जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। थैंक यू।